विराट के बघेरी समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से। रीवा जिला के जवा थाना के सितलहा पुल के लगे जवा कैद से जाए रहा हाईवा महिला का पुल से गुजरत समय बुरी तरह से कुचल दी। बताए दे के महिला के मौका में मौत हुई गई। मौका पर आसपास के लोगन के सूचना में जवा पुलिस घटना स्थल में पहुंची और ओके बाद हाईवा का पुलिस जब्त कर ली थी। बताए दे कि महिला जवा से सितलहा कैद जात रही थी। कैसे हो गया एक्सीडेंट? आपको सूचना कब मिली थी? एक्सीडेंट होने के बाद मुझे फोन किया गया। हाँ? दुकान में से दुकान से कहाँ जा रही थी? सितलहा जा रही थी। सितलहा में बच्ची रहती, हमारी बहन रहती है, उन्हें प्रसाद देने जा रही। अच्छा, घर से जब बच्चा है, मतलब भाई हमारा छोटा है, उनके साथ रहती तो घर जा रही थी। क्या नाम है आपकी? कौन लगती थी? हमारी माता जी। क्या मानसिक रूप से कुछ ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको ये सूचना कैसे मिली कि एक्सीडेंट हो गया माता जी का? हमें एक लड़के ने बताया कि हमारा जो हमारा लड़का है उसे फोन किया कि माता जी के मैंने नाती उनका बताया कि मतलब वो एक्सीडेंट हो गया। खबर रीवा जिला से है जहां 20 शहर में डीआईजी कार्यालय के समूह दुई महिला एक थे अधेड़ का जम के चप्पलन से धुनाई के धीन ही। बताई दे कि महिला के द्वारा लगातार गाली गलौज की जात रही और मार खाए वाला आदमी चुप रही के मार सहत रहा है। पूर्व घटना का देख के ऐसा लागत रहा है कि आसपास महिलन के सपोर्ट में आदमी मौजूद रहे जेके द्वारा सुनियोजित ढंग से वही चप्पलन से पिटवावा गया है। मामला चाहे जौन हो लेकिन पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय और आयुक्त कार्यालय के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाका में जौन तरह से महिलन के द्वारा पीटा गया है उसी यह साबित हो रहा है। लोगन के अब पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ गया है जेके चलते वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय के समूह लोग कानून का हाथ मां ले रहे हैं। इधर आइए, क्या किया? क्या है? अरे भैया, पीछे करो साइकिल, तुझे खरक हो गया, रुक जाओ वहीं रुको। थोड़ा मारपीट न करे ले जाओ, चला हटावा फोन कर।
पैसा माता से देती है पैसा दी है छोड़ दी है हमारे बराबर तो कहाँ है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग छात्रा जर्जर हॉस्टल का लेके कलेक्टर का ज्ञापन सौंपे नहीं। छात्रा के द्वारा बतावा गया है कि एक सैकड़ा से अधिक सीट होए के बावजूद उनका छोट का हॉस्टल में रहे पड़त लाग है। बताई दी कि एक कमरा में एक दर्जन से अधिक बिटिये रहती है। हॉस्टल इतना जर्जर हो चुका है कि एमा आए दिन शॉर्ट सर्किट से आगे लागत थी, वहीं कब गंभीर घटना घटित हो सका थी। आई सुनी थे छात्रा ज्ञापन सौंपे के बाद मीडिया से चर्चा करके का कही नहीं। हम यहाँ पे अपने हॉस्टल की जर्जर स्थिति को लेकर एप्लीकेशन लेकर आए थे कलेक्टर सर के पास कि मतलब हमारा हॉस्टल अभी तक क्यों नहीं बनाया गया है। मतलब बहुत दिनों से हमें डीन सर के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आपका 4 सालों से हॉस्टल बन रहा है बट वो अभी तक बना नहीं है, उसका कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल नहीं रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें नया हॉस्टल दिया जाए। सीट इतनी सारी 120 स्टूडेंट की सीट है बट यहाँ पे प्रॉपर हॉस्टल नहीं है। बच्चे दूर से आते हैं, अप डाउन करते हैं, सबको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कल तो एक एक्सीडेंट भी हुआ कि मतलब बच्चों के रूम में आग लग गई थी जिसकी वजह से मतलब बहुत लॉस हुआ है। एक रूम में 18 लड़कियां रहती हैं। कल डीन सर मौके पे पहुंचे थे, उनसे हमने बात करी बट उन्होंने यही कहा कि हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं, एक हॉस्टल में दूसरा हॉस्टल दिया जा रहा है आपको। बट वो हॉस्टल भी पूरी तरीके से असुरक्षित है, उसकी भी हालत ख़राब है। मतलब इसी हॉस्टल की तरह वो हॉस्टल भी है। वो भी पुराना ही है। मेरा नाम समीक्षा मिश्रा, हम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं। इनकी मुख्य डिमांड ये है कि इनका कोई हॉस्टल है जो बता रहे थे कि जर्जर हो चुका है और कुछ एक दो दिन पहले वहाँ पे आग वगैरह लग गई थी, तो उनकी डिमांड है कि उनको नया हॉस्टल प्रदाय किया जाए। और उनका कहना है कि डीन मेडिकल कॉलेज द्वारा जो उनको हॉस्टल प्रदाय किया जा रहा है वो पहले से ही और जर्जर है, तो उनको यही आश्वासन दिया गया है कि उनके सिक्योरिटी और जो उनकी समस्याएं हैं उसके संबंध में डीन मेडिकल कॉलेज को निर्देश कलेक्टर महोदय की ओर से दिए जा रहे हैं कि तत्काल उनकी जो उचित व्यवस्था है वो की जाए। नहीं, पहले से उसके लिए बजट वगैरह अलॉट हो चुका है। बिल्डिंग्स जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें समय कुछ ज़रूर लग रहा है, तो उसके लिए डीन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर महोदय द्वारा कि टाइमली उनकी व्यवस्थाएं कर दी जाएँ जो कि सिक्योर रहें, जो जिससे उनको किसी तरीके की सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो और इस तरह की समस्याएँ उत्पन्न ना हो। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला से ही, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य महकमा द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही एम्बुलेंस सेवा के पोल खुली। बताई दे कि बूढ़ औरत का इलाज के खातिर हाथ के ठेला में लई के दंपति पहुंचा है, जेका एम्बुलेंस ना मिले के चलते ठेला में लई के जाय पड़ा। अपना पंचन का बताई दे कि हनुमना के रामलाल कोल अपने पत्नी मानवती के तबियत बिगड़े पर इलाज के खातिर कौनो झोला छाप डॉक्टर का दिखाए रहा। बताई दे कि हालत बिगड़े पर ओ खास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाए के सलाह दीन गरी, जेके बाद बूढ़ औरत का इलाज के खातिर ले जात रहा है। आई दिखाई थे शासन के पोल खोल रही तस्वीरन का और सुनाई थे पीड़ित का हाथ ठेला में उपचार के खातिर पत्नी का ले जाए के संबंध में का जानकारी दी सी। एम्बुलेंस नहीं आ रहा है, फोन लगा रहे हैं। दवाई नहीं हो गया, कहाँ लगाई है? कार्ड बना है, दवाई नहीं करते हैं, जाबो कर दवाई देते नहीं आई। एम्बुलेंस का फोन लगा रहे हैं? नहीं लगा। तो अभी एम्बुलेंस नहीं आई, कहाँ लगे रहे हैं? ठेलिया से तो कहाँ चाहिए है? दवाई तो करते नहीं है। कहाँ दवाई चाहिए है? दवाई चाहिए
कई किलोमीटर इसके लिए चले गए हैं? 2 किलोमीटर? कई किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है? राहत कौन समुआ नहीं मिला है ना? सड़क दुर्घटना का कम करने के उद्देश्य से पुलिस के द्वारा जागरूकता सप्ताह मनावा जात लाभ है। बताई दें कि बुधवार का सवेरे पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन जागरूकता रैली का हरी झंडी दिखाई के रवाना की ही नहीं। रैली में स्कूली लड़का शामिल रहे हैं। लड़कन का शामिल करे के पीछे पुलिस के उद्देश्य रहा है कि घरे माँ अपने घर वालेन का जागरूक करे के खातिर लड़कन के अहम योगदान रहा है। बताई दें कि लड़कन के माध्यम से पुलिस यातायात व्यवस्था के साथ सड़क दुर्घटनाओं के रोके के प्रयास कर रही है। आई दिखाई थे ना आयोजित कार्यक्रम और सुनाई थे पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन आयोजित जागरूकता रैली कर लई के का कहा थे। कार चलाते समय क्या लगाना चाहिए? और शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है। तेज गति से वाहन नहीं चलाना है। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, बाइक स्टंटिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, पीछे से आवाज आ रही कि हम सब चलान हो गया था हमारा। ठीक है, बेटा एक लाइन चला, तीन लाइन चला, तीन लाइन में ना प्रॉपर तीन लाइन में चला, प्रॉपर जागरूकता रैली निकाली जा रही है सड़क सुरक्षा के लिए, क्या उद्देश्य है और कब से कब तक पूरा कार्यक्रम चल रहा है? जिले में एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को कम करने के लिए और शहर में एक ट्रैफिक अवेयरनेस, ट्रैफिक सेंस को डेवलप करने के लिए आम जन का सहयोग किस तरह लिया जाए, इसमें हमारे प्रयासों के तहत एक कड़ी है जिसमें 11 से लेकर 17 तक जो ये विशेष अभियान चलाया जाएगा, इसमें अधिकतम पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ में हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके आम जन को बार बार इस बात का एहसास दिलाएंगे कि आपका घर में कोई, इसमें जो बच्चे हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, तो शुरुआत हमने बच्चों से आज की है, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं काफी संख्या में लोग आए हैं, इसी को लेकर कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया। आज खातिर इतने, बघेली माँ विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।